चल फटाफट तैयार हो और फिर चाचा को सरप्राइज करते हैं। यहाँ इसको करके दो मिलियन हो गए। तो गाइस यार गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, वेलकम बैक हो गया अंशुवेश व्लॉग्स में। मैं जस्ट उठा, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। तो सभी लोगों को यार घुघुतिया और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयां। और बाकी अभी देखते हैं बाहर, यार घुघुते भी बनेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। जो लोग पहाड़ी नहीं है उनको मैं समझाऊंगा आज घुघुतिया क्या होता है। और बाकी सभी पहाड़ियों को तो यार हमारा बहुत मेन त्यौहार होता है, बहुत ज्यादा लाइक बहुत समझ रहा, बहुत मजे से मनाया जाता है। अभी घुघुते बनाएंगे और बहुत सारी चीजें, तो वो देखते हैं। और पापा के मुझे डांट भी खाएंगे, मैंने बोला 9 बजे उठ जाऊंगा, बट यार सच्ची बता रहा हूँ रिकॉर्डर स्ट्रीम करते करते कब 4 बज गए 5 बज गए पता ही नहीं चला। तो मैं अभी उठ रहा हूँ, अभी चलते हैं बाहर, नहाना धोना भी है इतने ठंडी में, तो चलते हैं और देखते हैं। और आज हमारे चाचा का बर्थडे भी है तो उनके लिए कुछ गिफ्ट भी लेके आएंगे। तो अभी तो चलते हैं बाहर और देखते हैं कौन कितनी डांट देगा हमको। तो पापा और सिब्बू यहाँ पे क्या खा रहे हो आज? सिब्बू क्या खा रही है? मैं तो कुछ खा रही। लेकिन पहले वो बता मेरे को, तूने आज सुबह सुबह काले कौवे काले घुघुति बड़ा खा ले, कहा नहीं कहा? हैप्पी बर्थडे कहा अभी? हाँ बोल कहा तो, हाँ बोला कहा? अरे आज तो घुघुते हैं, कल खाएंगे ना। अच्छा हाँ यार वो तो कल नहीं, पापा आज ही तो कह रहे सुबह। अच्छा हाँ आज ठीक है, ठीक है तेरे को ज्यादा पता है, बढ़िया है। ओहो तुम भी खीर खा रहे हो क्या चाचा? हैप्पी बर्थडे चाचा। चाचा का आज बर्थडे है, क्या गिफ्ट चाहिए बताओ ना? बताओ यार मजाक मत करो, सच्ची बताओ है, सच्ची बताओ, ऐसा मत करो। कुछ नहीं चाहिए बेटा, पक्का? बाबा पक्का। सुबह पापा को क्या चीज चला जाता तू घर में सोचते? ये तो नहीं बता रहे। ओहो दादा मैंने भी यार नहा धो के तैयार बैठा हूँ, मुझे भी खिला दो यार। बिल्कुल नहीं है। कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन आज ही कीचड़ में सन के आता है ना, पता नहीं कहाँ से घूम के आता है। अरे मिले जाते हैं पता है रात के 12 बजे से। ये बाइक तो नहीं गिराएगा ना तुम लोगों ने? बाइक के रिम में का बांध रखा है इसको। वाह वाह बेटे वाह, मौज कर ली पंपुना तुम आज के दी बेटे। मम्मी पापा मम्मी हैप्पी घुघुतिया। तो क्या फिर कब बन रहा है फिर? अभी खाना वाना खा के हाँ बनाएंगे। फिर बना रहे? हाँ। तुमने सामान तैयार कर दिया? अभी कुछ नहीं बनाया, बहुत ज्यादा। चलो मैं भी नहा धो के आता हूँ फिर, ठीक है? और बाकी कब बना के गया आज? दाल चावल। चलो बढ़िया यार, ओके चलो फिर उसके बाद घुघुतिया बनाते हैं। तुम भी करोगे मदद? नहीं मैं तो वीडियो बनाऊंगा, तुम लोग बनाओगे? ठीक है यार कर देंगे थोड़ी थोड़ी। अच्छा ये बनाएगा वीडियो और हम काम करेंगे। वाह। तो गाइस यार नहा धोके एकदम तैयार हो गए और अभी खाना वाना खाते और उसके बाद घुघुते बनाने शुरू करते हैं। तुम्हें भी दिखाऊंगा मैं आज, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा पहाड़ी में मतलब घुघुते कैसे बनते हैं क्या होता है। तो अभी के लिए तो मम्मी और जग्गू यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। ओहो आज तो जग्गूला भी बैठा हुआ है हमारे साथ। तो फटाफट से खाना वाना खाते और उसके बाद मस्त करके घुघुते बनाते हैं। बाकी गाइस ये वाला कमरा भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, पापा ने इसमें पूरा काम करवा दिया। देख रहे हो तुम लोग पूरा पेंट वेंट पुताई वुताई हो चुकी है पापा। अच्छा पापा अभी बिजली का वो कर रहे हैं, ये वाला भी पापा ने एकदम खाली कर दिया है। बाकी ये कमरा तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अब इसमें मैं अपने सारे जिम का सामान वो सब डाल दूंगा मस्त करके और ये बढ़िया करके बन जाएगा, है ना पापा? अभी सली सली ला रहे। वैसे मेरे को इतना डांटा इनने जब मैंने बोला कि यहाँ पे अपने जिम का सामान डालूंगा, ठीक है बढ़िया। चलो गाइस अभी फटाफट से एक सीक्रेट मिशन है हमारे पास, वो भी हम लोगों को करना है और घुघुते तो बनानी है। घुघुते थोड़ी देर में बनेंगे क्योंकि अभी मम्मी आटा गूंथेगी, उसके बाद ही बन पाएंगे घुघुते। तो अभी चलते हैं जरा अंदर और एक छोटा सा काम है वो करते हैं। चाचा को कौन से साइज का वो आता है शर्ट आती है क्या? शर्ट कौन से साइज की आती है चाचा को कुछ तो बताओगे? नहीं शर्ट में तो वो 34 ये सब लिखा होता है ना शायद से, या फिर ऐसा होता है? जैकेट नहीं है? जैकेट लिए लेकिन फिर ठंडा चल जाएगा, फिर काम आ जाएगी वो, कौन सा खराब होती है। चलो ठीक है। तो वैसे तो मैं सोच रहा था कि एक्चुअली ठंडा जाने वाला है तो एक शर्ट ले लेते, लेकिन अभी चाची बोली कि चाचा के पास जैकेट नहीं, एक जैकेट लेके आते हैं आज चाचा के लिए, मस्त बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा। और चाचा हाँ थोड़ा बोलेंगे बर्थडे गिफ्ट ले। तो अभी चलते हैं हम लोग फटाफट से और एक जैकेट लेके आते हैं। सिब्बू सुन, हम लोग चाचा के लिए एक जैकेट लेने जा रहे हैं, चल रही है ना? चल रही है ना? ठीक है तो तैयार हो जाना थोड़ी देर में, ठीक है फिर चलते हम लोग लेके आते फटाफट, ठीक है? बाकी यार गाड़ी में एक कपड़ा भी मारना है, थोड़ा गीला कपड़ा मार देते हैं, ये पूरा ना धूल जम गई है, ये ओस की वजह से हुआ है जितना हुआ है, देख रहे हो ड्रॉप ड्रॉप जैसे, बारिश तो हुई नहीं है तो ये ओस की वजह से हुआ है। अब इसको पूरा का पूरा साफ करते हैं एक बारी। चाची क्या क्यों रो रहे?
क्यों, किसने बोला मैं ले जा रहा हूँ? मैंने बोला सही दोनों तैयार हो, चल फटाफट तैयार हो जल्दी, जूते पहन आ जा, चल जूते पहन, चल। जग्गू रोने लग गया कि दीदी को ले गए मेरे को नहीं ले गए। हाँ। और तुमसे क्या बोली थी, हट हट बोली थी, इधर इधर इधर, ये इतनी शैतान है ना, बहुत ही ज्यादा भाई, उसको चिढ़ाई जा रही है, वो रोए जा रहा है बेचारा। पापा को बता दिया कि मैं जैकेट ला रहा हूं। गाइस अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, फटाफट ऊपर चलते हैं और लेके आते हैं। चलो बच्चों आ जाओ, ये वाला तो पूरा वुमेन का फ्लोर है, ऊपर चलते हैं, ऊपर होगा मेंस का। ए ये जग्गू से बुगले, ये तुम्हारे जैसे देखो कपड़े सारे छोटे छोटे। तो ये है पूरा मेंस सेक्शन, अब यहाँ पे जैकेट्स ढूंढते बढ़िया वाली कोई। इस साइड है जैकेट्स, यार चाची ने ब्लैक कलर के लिए मना करा है, वरना ये जैकेट बहुत प्यारी लग रही है, पता है सामने से, मतलब मस्त सी लग रही है। चलो भाई और ढूंढो। तो गाइस हम लोगों ने ये वाली फाइनल करी है, ये ब्लैक जैसी दिख रही है पर ये एक्चुअली नीले कलर में, अब पता नहीं चाची गुस्सा ना करे, वरना तो ये बहुत प्यारी लग रही है सामने से। अब चाचा के ऊपर कैसी लगी वो देखते हैं। तो चलो यार गाइज अब हम लोग निकलते हैं कहीं पर, इसको पहले पैक कराएंगे क्योंकि ऐसे सीधे हाथ में थोड़ा देंगे जैकेट, तो इसको अब कहीं पे गिफ्टिंग रैपर से पैक कराते हैं, देखते कहीं तो कोई तो बढ़िया जगह मिल जाए जहाँ पे ऐसे गिफ्ट विफ्ट वाला ही हो, तो निकलते हैं ठीक है। अब गाइस फटाफट से चाचा को ये गिफ्ट देते हैं और फिर देखते हैं कि उनका रिएक्शन कैसा होगा। आई होप उनको अच्छा लगे, लाइक सच्ची बता रहा हूँ जैकेट इतनी अच्छी तो है कि मैं भी पहन लूँ भाई। अब देखते हैं चाचा को कैसी लगेगी और आई होप फिट आ जाए सबसे पहली चीज। हाँ पता चले कि हमने ले ली और फिट ही नहीं आ रही है। कहाँ घूम रहा है तू बाहर है, चल अंदर। बाहर कर रहा है पापा ने। अच्छा पापा ने बाहर कर दिया था ये, भाई भाई कुछ तो काम किया है इसने उल्टा। चाचा हैप्पी बर्थडे चाचा, खोल के तो देखो एक बार क्या है। थैंक यू मेरे भाई। अरे यार कुछ भी कह दो, देखो देखो। ओह बच्चा चाचा को बढ़िया लगे भैया। ओह जैकेट, इसको इसको एक बार चाहे डाल के देख लो, आई होप ज्यादा बड़ी या छोटी ना हो रही हो। सही आ रही है ना एकदम, यार क्या स्मार्ट लग रहे चाचा इसमें। अरे भाई भाई देखा मैं बोल रहा था ना भाई, ये ऐसी जैकेट है जो मैं भी डाल लूंगा मस्त लगेगी, तो मैंने यही सोचा कि चाचा के ऊपर तो बढ़िया लगेगी भाई, फिर कुछ कर लो। हाँ मस्त एकदम, अरे बहुत तगड़ी लग रही है। थैंक यू यार। अरे कुछ भी कह चाचा यार, हैप्पी बर्थडे चाचा। तो चलो यार गाइस मिशन सक्सेसफुल हुआ, चाचा को अपनी जैकेट पसंद भी आ गई और वो एकदम बढ़िया फिट भी आ गई, ना बड़ी हो रही ना छोटी हो रही, चाचा के ऊपर अच्छी भी लग रही है। हाँ, तो पहला काम तो हो गया, अब हम लोगों को घुघुते घुघुते बनाने वो देखते हैं। और शाम को हेलो पेस्ट्री वेस्ट्री तो मिल रही है ना? नहीं। क्या पेस्ट्री नहीं मिल रही है बट्टी की? ओहो यहाँ क्या हो रहा है? ओहो घुघुते का आटा गुदा जा रहा है। ये है गुड़ का पानी गाइस, ये गुड़ वाला पानी है और ये घुघुते का। मम्मी ये किस चीज का आटा होता है? गेहूं का आटा ना, ये मस्त आटा है, इसमें पहले ये पानी डलेगा फिर ये गुदेगा और लास्ट में हम लोग बनाएंगे बढ़िया बढ़िया एकदम घुघुते। और सुबह को जग्गू और सिब्बू खाएंगे, पहले खाएंगे नहीं पहले क्या कहेंगे? कौवा। आता है जग्गू का? आता है जग्गू बोल के दिखा। हाँ। आता है तो बता, काले कौवे खा, क्या काले घुघुती बता बता, काले कौवा काले घुघुती। चल पापा क्या बोलते हैं? काले कौवा काले घुघुती बड़ा काले। हाँ और कुछ होता है ना वो सोने घड़े में के दे फिर मस्त गुड़ के पानी में। तुम्हारी मम्मी कोई काम नहीं करती है? अरे भाई 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 बोले बेचारी सुबह से लगी पड़ी थी, ये सारा काम किसे करवाती है? जी यार भाई हाँ वही ना, पानी डालने के बाद जो मम्मी आटा और ये गुड़ का पानी बनाया किसने? ठीक है मम्मी बहुत इतने सारे बनेंगे लेकिन गायब जाएंगे कि क्या होता है त्योहार होता है तो सब में बटता है, तो सारे जितने भी हमारे आस पड़ोस के लोग होंगे सब में बटेगा ही, तो ये दिखने का ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बनेगा बट एक्चुअल में थोड़ा सा ही, मतलब ऐसा घर के लिए थोड़ा ही व्यस्ता है और बहुत टेस्टी होता है, तो मस्त करके खा लेंगे और जग्गू सिब्बी को कुछ नहीं। तो गाइस देखो इतने सारे घुघुते मम्मी और पापा ने मिलकर बना दिए, अब हम लोग भी बनाते हैं बैठ के। और ये सिब्बू तो बस क्या खा रही दिखा दे थोड़ा, हमें को भी खिला दे। मस्त इमली के लड्डू खाते हैं और उसके बाद घुघुते बनाते हैं शांति से ठीक है। तुम लोग भी हाथ पैर धो के आओ और फटाफट घुघुते बनाओ। चलो मैंने भी धो रखे हैं। तो चलो बनाओ फिर।
और ये गाइस पापा ने आखिरी घुघुता बना दिया है, पूरा का पूरा खाली कर दिया है। ये देखो चारों तरफ ये जग्गू के चरखी और घुघुते। तो मैंने, चाची, पापा, मम्मी, हम सब ने मिलके, सिब्बू ने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया काम में, और हम सब ने मिल नहीं लगाया, झूठ मत बोलना। तो हमने ये पूरे के पूरे भर दिए, सारे घुघुते बन चुके हैं। और अब पापा इसको रात को तलेंगे, कल सुबह कौवे को पहले खिलाएंगे और उसके बाद हम सारे के सारे खाएंगे, भगवान को चढ़ाएंगे और उसके बाद हम सारे के सारे खाएंगे। और ये मेरे को भूख लग गई थी तो मम्मी मिले जो चाय और पराठे बना के ले आई, धन्यवाद मम्मी। और बाकी यार गाइस जिसको पता नहीं है भाई, हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, बस 20,000 सब्सक्राइबर्स और चाहिए। तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया कर देना। मम्मी मम्मी अगर हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं अगले 2 दिन में, कहने का मतलब है आज की तारीख है 14 तारीख है, अगर 16 तारीख से पहले हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो क्या करेंगे बताओ? पार्टी करेंगे? मस्त, पक्का? गाइस देख लो मम्मी ने बोल दिया है, मम्मी एक बार कहो सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो यार। ये देखो भाई सब लोग कह रहे हैं जल्दी सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, 1 मिलियन के बहुत क्लोज है। अगर बाय चांस 1 मिलियन 16 तारीख से पहले जाते हैं, एक मस्त सी पार्टी करेंगे, देखते हैं बाहर जाएंगे या फिर घर में करेंगे। मेरे ख्याल से घर में करेंगे क्योंकि अभी कोरोना वोना वाली चीज चली है। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज कर देना मेरे दोस्तों, 1 मिलियन होने वाले हैं, जल्दी से कर दो। तो गाइस ये देखो जितने भी घुघुते हमने बनाए थे, अब पापा इसको मस्त करके, पापा टोपी जच रही है यार तुम पे, क्या मस्त लग रहे पापा। तो यहाँ पर मस्त करके घुघुते तल रहे यार, इतने अच्छे होते, टेस्टी होते, और अभी तो गरम गरम है ना, खाने का इतना मन कर रहा है पर खा नहीं सकते जब तक का एक बारी भगवान जी और कौवे को ना खिला दे तब तक का। तो ये हम लोग कल ही खाएंगे। ये देखो ये घुघुते जो हमने बनाए थे, ये जग्गू ने डमरू अपने लिए चरखी और थोड़े घुघुते बनाए, ये खजूर है ये भी मीठे होते, और ये है पापा इसको क्या बोलते भूल गया, मटरी है ना, ये है मटरी जो की थोड़ी सी नमकीन होती है। सेम, मैंने तो बचपन से मटरी सुना इसका नाम, तो ये सेम है जो कि नमकीन होती, थोड़ी सी टेस्टी सी होती, चाय के साथ बहुत मजा आता है इसमें। बाकी पापा इसको तल रहे पूरा, और थोड़ा सा भी नहीं खा सकते अभी, मम्मी से पूछो। मम्मी तो डांट लगा देगी सीधे। तो गाइस यार एक और गुड न्यूज देनी थी तुम लोगों को, हम लोग के फाइनली 2 मिलियन हो चुके हैं, 20 लाख सब्सक्राइबर हो चुका है अंशु बिस्ट वाले चैनल पे। थैंक यू सो मच यार मम्मी। हाँ। 2 मिलियन हो गए है ना? पापा 2 मिलियन हो गए, बहुत खुशी है। तो चलो फाइनली गाइस थैंक यू सो मच फॉर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, इट मींस अ लॉट। और बाकी इस वाले चैनल पे भी 1 मिलियन होने वाले हैं, तो जल्दी से यार सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। 16 तारीख तक अगर तुम लोगों ने कर दिया सब्सक्राइब तो एक मस्त वाली पार्टी करेंगे, ठीक है मम्मी? बिल्कुल यार, घर में करेंगे एकदम खतरनाक वाली पार्टी। अभी के लिए चलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छे लगते होंगे, सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना और ट्राई करते हैं यार 1 मिलियन हो जाए इसमें भी जल्दी से जल्दी। 16 तारीख से पहले हो गए तो बढ़िया, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं यार, लेकिन जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा कर देना मम्मी, बोलना सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल यार सब्सक्राइब तो कर दो यार सब्सक्राइब, और सरप्राइज। अरे यार सब्सक्राइब मतलब सरप्राइज है ना। तो गाइस यार कर दो सब्सक्राइब, मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वाली में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, बाय बाय। सब्सक्राइब 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 करो।